आप देख रहे हैं अमर उजाला डॉट कॉम। मैं हूं नीलेश शर्मा। कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगातार मंदिर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देना चाह रहा है, भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समय मंदिर में रंगाई पुताई साफ सफाई का कार्य चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ राजा मंडी रेलवे स्टेशन के चामुंडा देवी मंदिर पर। यहाँ पर भी नवरात्र को लेकर तैयारी चल रही है। मंदिर के बारे में यहाँ बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 350 साल पुराना है। नवरात्र के मौके पर यहाँ हजारों भक्तों की संख्या में भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए उमड़ते हैं। माँ चामुंडा देवी विराजमान है और इसका अति प्राचीन इतिहास है जो कि लगभग 350 साल पुराना ये स्थान है। और तब यहाँ कभी जंगल हुआ करता था, बिराबान जगह पर माता रानी चामुंडा देवी यहाँ पर विराजमान थी, लेकिन आज माँ के चमत्कारों के द्वारा वैभव बढ़ गया है और एक छोटा सा मंदिर एक विशाल रूप धारण कर चुका है, वो सिर्फ माता रानी की कृपा से। और हर नवरात्र यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बाहर से भी दर्शन करके जाते हैं। अब चूँकि कल शरद नवरात्रों का प्रारंभ है तो सुबह 4 बजे से ही माता रानी के पट जो है खुल जाएंगे और भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। और ये क्रम जो है दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे माता रानी के पट जो है बंद हो जाते हैं, उसके बाद माता रानी का पुनः स्नान श्रृंगार पूजा अर्चना होती है जो कि बराबर ये 5 बजे तक चलती है। 5:30 बजे माता रानी का दरबार पुनः सज जाता है और सभी भक्तों की अरदास सुनने के लिए माता रानी पुनः विराजमान रहती हैं। और यह क्रम फिर नवदुर्गों में रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा जो कि बराबर पट खुले रहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी चा, सप्तमम कालराति महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव माता रानी के नवदुर्गे हैं, बहुत ही पुनीत होते हैं, बहुत ही फलदायी होते हैं। सभी भक्तों को चाहिए कि प्रथम दिन अपने ही घर पर आराम से स्नान करके सब परिवार सहित बैठ करके माता रानी की पूजा अर्चना घर पे करें। अपने मोहल्ले में बाहर जा कर के जो माता रानी का मंदिर हो वहाँ जाएं और जा कर के वहाँ दर्शन करें, जहाँ जल चढ़ता है वहाँ जल चढ़ाएं और पुनः अपने घर में आ कर के अग्नि करें। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें। नित कलश का सुबह स्नान कराना पड़ता है, उसमें जल चढ़ाना पड़ता है और उसका ध्यान रखें। आप अखंड ज्योत जलाएं माता रानी का जो है तो उसका ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों को करने से आपको धन धान्य की समृद्धि प्राप्ति होती है, परिवार का सुख, परिवार को सुख मिलता है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ये नवदुर्गे एक ऐसे पुनीत दिन हैं कि जो भी हमने किया धरा है, कोई गलत कार्य किया, कुछ भी किया, आप उसका नवदुर्गों में आप अपना प्रायश्चित कर सकते हैं। वो माता रानी का व्रत करके उसका आप प्रायश्चित करें, माता रानी का व्रत रहें। अगर आप व्रत नहीं रह सकते 9 दिन तो कम से कम एक टाइम का व्रत रहें, शाम को अच्छा सात्विक भोजन का ग्रहण करें, किसी प्रकार का तामसी भोजन ना ग्रहण करें क्योंकि नवदुर्गों में किसी तरह से तामसी वृत्ति नहीं होना चाहिए। भोजन से ही विकार युक्त होता है और रसोई में भी किसी प्रकार की ऐसी वस्तु न लाएं जो कि शरीर को मादकता पहुंचाए, बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएं। माताओं को चाहिए कि रसोई में किसी भी प्रकार से बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। 9 दिन तक तो विशेष इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अन्नपूर्णा है, वो रसोई अपने आप में अन्नपूर्णा है, स्वयं अन्नपूर्णा का वास होता है। और अगर रसोई पवित्र है तो घर पवित्र है, घर पवित्र है तो पूरा परिवार पवित्र है, पूरा परिवार पवित्र है तो धन धान की समृद्धि अपने आप आएगी। इसीलिए सभी भक्तों को चाहिए कि नवदुर्गों की पूजा सार्वजनिक तौर पर ना जाकर अगर नहीं जा पाते
तो परिवार के साथ मिलकर के पूजा अर्चना करें और माँ का ध्यान करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश विदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।